के YouTube चैनल पर मैं डॉक्टर मिराज अंसारी आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो जो है कि रिपट्टी से रिलेटेड है। तो रिपट्टी में हमने अभी तक जो है एलियन के दो टॉपिक कर चुके हैं। अब हमारा तीसरा टॉपिक जो है रिपट्टी आप इंटरमिटेंट फीवर, रिपट्टी आप इंटरमिटेंट फीवर है। इसके पहले हम लोगों ने रिपट्टी या फीवर भी कर चुका है। उसके अलावा जो है टी एफ एलेन साहब का एक और रिपट्टी था सिम्टम रजिस्टर, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास आते हैं डब्ल्यू ए एल एन। डब्ल्यू ए के बीच में बहुत बड़ा इंटरमिटेंट गैप है। डब्ल्यू एक तरफ है और ए एक तरफ है। डब्ल्यू एक छोर पे है और ए एक छोर पर है। अगर देखा जाए तो ए और डब्ल्यू के बीच में जो दूरी है वही तो इंटरमिटेंट है। तो इंटरमिटेंट फीवर जो है डब्ल्यू ए एलेन साहब ने लिखा था, और इसका जो है पब्लिकेशन जनरली इसका पब्लिकेशन जो है 1882 में इसका पब्लिकेशन हुआ था। टोटल नंबर आप जो मेडिसिन था इसमें वो 133 मेडिसिन था, और इसके भी ग्रेडेशन अगर हम बात करें तो तीन ग्रेडेशन में था। वो था बोल्ड, इटैलिक और रोमन। तो ये जो है डब्ल्यू एल एन की जो टॉपिक था उसमें डब्ल्यू और ए के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, ऐसे ही याद रखिएगा। तो ये जो गैपिंग है यही तो इंटरमिटेंट है, इन्होंने ही लिखा। तो इसको जो है बाद में फॉरवर्डेड जो है टी एफ एल एन साहब ने किया था, 1882 में इसको लिखा गया था रिपट्टी ऑफ इंटरमिटेंट फीवर। और जनरली जो है इसमें तीन ग्रेड थे, वो था बोल्ड, इटैलिक और रोमन। तो ये हमारा जो टॉपिक था वो इंटरमिटेंट फीवर के लिए था। इसके अलावा जो है सिम्टम रजिस्टर और थेरेप्टिक ऑफ फीवर जो है रिपट्टी ऑफ फीवर, ये सब हम कर चुके हैं। तो आपको टॉपिक कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारे यूट्यूब के इस चैनल को ज़रूर और ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लोगों तक तो बताइए, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में हम आपको नई नई जानकारी देते रहेंगे जिससे आपकी जानकारी अर्जन या जानकारी और ज़्यादा बढ़ती रहेगी, और नई नई चीज़ों को आपको सीखने का और उसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने का तरीका भी हम आपको बताते रहते हैं। तो उसको आप पढ़िए और इन्जॉय करिए, आगे बढ़िए, होम्योपैथी के साथ आगे बढ़िए और तरक्की के राह पे चलिए, यही हमारी दुआ है। होमी रीडर को सब्सक्राइब जो कर चुके हैं उन सभी लोगों का धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर और ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप सभी लोगों का होमी रीडर देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।